अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल अफेयर्स के बारे में। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू जुलाई जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हमारे इंडिया के रिलेटेड, उस पर हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स पे फोकस करेंगे। तो पहला है दिस 6th, दैट इज़ टी वी राधाकृष्णन स्वोन इन एज अ फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट। तो तेलंगाना हाईकोर्ट, तेलंगाना जैसे कि आपको पता है एक सेपरेट स्टेट है आफ्टर बाइफर्केशन ऑफ हैदराबाद। वो जो था ये तेलंगाना हाईकोर्ट केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 1st of January 2019 और टी वी राधाकृष्णन उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद आता है ये न्यूज़ जिसपे इंडिया जो है 132nd रैंक पे है इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो बहुत ही सैड बात है क्योंकि हम पाकिस्तान से भी पीछे हैं। पाकिस्तान का रैंक जो है वो है 123, ओके, एंड वी आर ऑलवेज वी आर ऑल्सो बिहाइंड दैट। सो इसमें सबसे टॉप जो किया है वो है श्रीलंका। श्रीलंका का रैंक है 75th। और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है गाइस? तो इट मेजर्स अ लॉस इन कंट्रीज प्रोग्रेस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन 3 सेक्टर्स: रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। तो उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था वो था ये गुजरात गवर्नमेंट के बारे में। तो गुजरात गवर्नमेंट लॉन्चेस 2nd edition ऑफ सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। तो ये बेसिकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक स्कीम है और जो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इस टाइम उसका 2nd edition था। सो मेन एम क्या है स्कीम का? द स्कीम एम्स टू डीपन वाटर बॉडीज इन द स्टेट बिफोर मॉनसून टू इंक्रीज स्टोरेज ऑफ रेन वाटर टू बी यूज ड्यूरिंग स्कार्सिटी। यानी कि पानी की कमतरता के टाइम ये वाटर यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है बाय गुजरात गवर्नमेंट। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कैबिनेट क्लियर्स वॉलंटरी यूज़ ऑफ आधार कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ। तो पहले काफ़ी चर्चा हुई थी इसके बारे में, डिबेट भी, कि आधार मैंडेटरी है या नहीं। तो अभी जो है यूनियन कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है दैट यू कैन यूज़ एज पर योर विश, यानी कि आपकी इच्छा के लिए या आपकी इच्छा के अनुसार यू कैन यूज़ द आधार कार्ड एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था नेशनल इवेंट में बता दूँ तो वो ये है दैट सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी कि पर्सन विथ एनी फिजिकल डिसेबिलिटी जो है उनको अगर स्पोर्ट्स में जाना है, सो फॉर दैट सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट इज़ टू बी सेट अप एट ग्वालियर, ओके, ग्वालियर मध्य प्रदेश। और याद रखिए कौन से एक्ट के अंडर किया गया है, इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट ऑफ विच एक्ट? द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860, इसके तहत ये सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो है 7th March, ओके, बहुत कम लोगों को पता होगा नेशनल और इंटरनेशनल डेज में भी 7 मार्च जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है हमारे भारत में, जो इंटरनेशनल और नेशनल डेज में भी बहुत कम लोग मेंशन करते हैं, तो ये बात आप याद रखिए। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट में बता दूँ वो था हमारा ये के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जो थे, ही हैज़ पास्ड अवे ऑल राइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जो उनका बहुत बड़ा हाथ था इन उरी सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ था, तब हमारे वो डिफेंस मिनिस्टर थे एंड यस एंड 3 बार वो गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर सफरिंग फ्रॉम सीवियर क्रॉनिक डिसीज and he passed away on 17th of March, I'm so sorry I said April, but it's 17th of March at the age of 63. And immediately after the after he passed away, okay, तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर थे उसके लिए अपॉइंट किया गया था प्रमोद सावंत को, okay, so प्रमोद सावंत sworn in as गोवा's चीफ मिनिस्टर। तो वो कौन से हैं 11th चीफ मिनिस्टर होंगे गोवा के, प्रमोद सावंत, आफ्टर डेथ ऑफ मनोहर पारिकर। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट इवेंट है उसके बारे में, 100 years ऑफ जालियनवाला, ओके, जालियनवाला का जो हत्याकांड हुआ था उसको इस साल 13 अप्रैल को 100 years कंप्लीट हो गए हैं। ऑल राइट, सो ये इवेंट जो हुआ था ये जो था ब्रिटिशर्स ने किया था, आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, इस टाइम 2019 को एग्जैक्टली 100 years इसको कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इवेंट पे आते हैं,
वो है हमारा गुवाहाटी स्टेशन. आसाम का जो गुवाहाटी स्टेशन है उसको पहला ISO सर्टिफिकेट मिला है. सो विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन इन द इंडियन रेलवेज टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. ऑल राइट, तो उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इम्पॉर्टेंट इवेंट है. यस, तो आपको पता होगा CAG की जो पोस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 के तहत मेंशन की गई है, लेकिन अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि एक डिप्यूटी CAG की भी पोस्ट होगी जो कि मेंशन की जाएगी, एक अमेंडमेंट की जाएगी और ये पोस्ट जो है इंट्रोड्यूस की जाएगी. सो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था. एंड फाइनली जो लास्ट था वो था हमारा कारगिल दिवस. अगर आपको पता है कि कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है, एंड इट टुडे आई मीन इन दिस ईयर इट हैज़ कम्प्लीटेड 20th anniversary फॉर द ऑपरेशन. तो ये थे हमारे नेशनल अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में. तो इंटरनेशनल अफेयर में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे मोस्टली उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. तो पहला इवेंट ही देखिए आप दैट हियर राइट, 5th इवेंट जो हुआ था यहाँ पे, इसराइल एंड US ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को ओवर एंटी इसराइल बायस. तो यूनेस्को का फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा इट्स यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो है यहाँ से दोनों ने भी विड्रॉ किया था. एंड इन यूनेस्को जो है इट इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स वर्क टू प्रिजर्व हेरिटेज इंक्लूडिंग मेंटेनिंग लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, प्रोग्राम्स टू प्रमोट एजुकेशन डेवलपिंग कंट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज. सो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इंटरनेशनल इवेंट्स में. उसके बाद आता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था, आपको याद होगा इंडियन फाइटर, ओके इंडियन एयरफोर्स पायलट जो थे हमारे अभिनंदन वर्धमान, पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा थी आफ्टर द बालाकोट एयर स्ट्राइक. 58 आवर्स के लिए पाकिस्तान कस्टडी में थे और एज अ जेस्चर ऑफ पीस, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जो है पाकिस्तान पे काफ़ी बढ़ गया था, उसके बाद हमारे जो एयर फोर्स विंग कमांडर हैं अभिनंदन वर्धमान, ये ही हैज़ केम बैक टू इंडिया विच वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इंटरनेशनल अफेयर में. और उसके बाद जो आती है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ वो है ये दैट इज़ जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं राइट, इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू विंस अ रिकॉर्ड 5th term इन ऑफिस. तो इसराइल की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग लीडर जो है वो यही है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन, एंड ही हैज़ वन द इलेक्शन फॉर 5th time. ओके, सो आफ्टर दैट जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो यही है 17th MENA वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हेल्ड इन जॉर्डन. तो मेना का फुल फॉर्म याद रखिए, इट इज़ मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका. ओके, इट हैज़ टुक प्लेस इन जॉर्डन. उसके बाद जो है रशिया के बारे में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट रशिया के जो प्रेजिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, तो रशिया प्रेजिडेंट पुतिन साइन सोवरेन इंटरनेट लॉ. तो ये लॉ क्या अथॉरिटीज़ देता है या क्या करता है, ये लॉ मायने रखता है. सो लिसन दैट सोवरेन इंटरनेट बिल विच विल अलाउ द रशियन अथॉरिटीज़ टू आइसोलेट कंट्रीज इंटरनेट. ओके, तो कंट्री के इंटरनेट को आइसोलेट कर सकते हैं अंडर दिस लॉ जो पास किया है प्रेजिडेंट ऑफ रशिया. एंड फाइनली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो थी अभी की बहुत ज़्यादा चर्चे में थी, जुलाई मंथ में ही थी, दैट कुलभूषण जाधव की जो केस थी, कुलभूषण जाधव जो हमारे इंडिया के हैं इज इन द कस्टडी इन द पाकिस्तान. तो पाकिस्तान ग्रैंड कंसुलर एक्सेस. कंसुलर एक्सेस का मीनिंग क्या होता है, दैट ही कैन मीट और गेट इन टच विद आवर डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स. ठीक है, तो जो भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ हैं इंडिया की उनसे वो बात कर सकते हैं. तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनका केस गया था और पाकिस्तान ने जो डेथ सेंटेंस दी थी कुलभूषण जाधव को बाय हैविंग द एलिगेशंस दैट ही इज स्प्रेडिंग टेररिज्म एंड एक्सेट्रा, तो उस पर जो है अभी स्टे आ गया है और ये केस जो है अभी भी जारी है. तो उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो है हमारे बोरिस जॉनसन. तो अभी तेरेसा मे जो थी, तेरेसा मे आपको पता होगा वो थी UK की प्राइम मिनिस्टर. तो आफ्टर हर ऐसा कहा जाता है कि बोरिस जॉनसन जो है अभी UK के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे. सो ये इम्पॉर्टेंट था इंटरनेशनल इवेंट्स.
तो अब हम बात करते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। तो जैसा हमने देखा इंटरनेशनल में हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बारे में बोल रहे थे, बट हम लोग इंडिया एंड वर्ल्ड में स्पेसिफिकली इंडिया के रिलेटेड जो है उसी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो पहली ही आप देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस, पहली न्यूज़ जो है इंडिया एंड पाकिस्तान की है, और इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। जैसा कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी न्यूक्लियर नेशंस हैं, राइट, बोथ हैव द न्यूक्लियर वेपन्स एंड बोथ हैव देम एक्सचेंज देयर लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। और ये सब हुआ था आफ्टर आवर बालाकोट स्ट्राइक जो हुआ था, काफ़ी टेंशन बढ़ गया था दोनों ही देशों में, तब ये जो थी लिस्ट एक्सचेंज की गई थी। उसके बाद जो है सेकेंड न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो, ये आपको पता होगा ब्राज़ील का कैपिटल है, एंड ये जो कैपिटल है इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 बाय यूनेस्को। ओके, जैसा मैंने यूनेस्को का फुल फॉर्म बताया था आपको, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस टाइम ये ब्राज़ील के कैपिटल को मिला है। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट ये है न्यूज़ That wait yes India जो है India will stop yes wait a minute India will stop its share of water flowing into Pakistan। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि इंडिया ने जो है MFN ये स्टेटस जो होता है कंट्रीज पे ये पाकिस्तान से निकाल दिया है। MFN का मतलब होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ओके, सो वी हैव रिमूव्ड दिस स्टेटस फ्रॉम पाकिस्तान एंड जो भी फैसिलिटीज़ अभी हम लोग से जा रही थी वो सब अभी स्टॉप कर दी गई है। तो नितिन गडकरी जो हैं हमारे द मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट ऑफ गंगा रिजुविनेशन हैज सेड दैट इंडिया वुड फुल्ली यूटिलाइज शेयर ऑफ अनयूज्ड वाटर फ्रॉम द रिवर्स। कौन सी रिवर्स से? रावी, बीज एंड सतलेज। ओके, दैट हैज़ बीन फ्लोइंग इन टू पाकिस्तान। तो अभी ये जो नदियों का पानी है वो हम लोग ने बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए इमिजिएटली आफ्टर पुलवामा अटैक जो हुआ था हमारा कश्मीर में। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो ये है दैट इंडिया शेयर्स द पाकिस्तान F-16 मिसाइल। तो ये F-16 मिसाइल ऐसा माना जाता है कि यूएस ने ही पाकिस्तान को कई साल पहले दी थी एज अ सिक्योरिटी मेजर्स, बट नाउ पाकिस्तान इज यूजिंग दिस एज एन अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, तो जो भी एयर स्ट्राइक किया था हम लोग ने तो काफ़ी दिन में उन्होंने भी वो एयर स्ट्राइक इंडिया में करने की कोशिश की थी, और जिसकी वजह से हम लोग को ये मिसाइल के जो हैं F-16 एयरक्राफ्ट के पार्ट्स मिले थे एंड वी हैव शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद USA फॉर फर्दर स्टडीज। और उसके बाद जो आता है ये है इंडिया एंड रशिया साइन डील ऑन न्यूक्लियर सबमरीन। तो इंटरनेशनली इंडिया के जो है बहुत अच्छे रिलेशंस हैं एंड स्पेशली विद द रशिया। तो रशिया के साथ हमारे काफ़ी डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड डील होती हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो उसमें एक डील थी वो थी न्यूक्लियर सबमरीन। तो $3 बिलियन की डील जो है रशिया के साथ साइन की गई है न्यूक्लियर पावर टेक सबमरीन के लिए। सो ये था हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन केस ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमी एंड बैंकिंग सेक्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए थे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट देख लीजिए आप, इकोनॉमी में जो हुआ था वो था गीता गोपीनाथन जो है, गीता गोपीनाथ बिकम्स द फर्स्ट फीमेल चीफ इकोनॉमिस्ट इन IMF। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसकी पहली महिला जो है वो चीफ इकोनॉमिस्ट जो बनी है गीता गोपीनाथन, एंड ऑल ओवर शी इज़ दी 11th चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। तो उसके बाद जो था वो था हमारा इंटरिम बजट। अगर आपको पता होगा ये 1 फरवरी 2019 में रिप्रेजेंट किया गया था बाय होम पीयूष गोयल जो थे उन्होंने ये बजट के हाइलाइट्स जो है रिप्रेजेंट किए थे। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था ये था प्रधानमंत्री किसान प्रोग्राम एंड सेकेंड वॉज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स थे इस बजट के। उसके बाद जो देखिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो थी हमारी IIB और SEBI के बारे में। सो येस, देर वॉज अ मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन IIB एंड SEBI। और वो क्या था मोमेंटम? तो बेसिकली इट एम्स टू प्रमोट एंटरप्रेनरशिप एंड डेट मार्केट, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं नए नए बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए ये MOU साइन किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि HDFC बैंक जो है
ओके, इट हैज रैंक्ड नंबर 1 by Forbes. तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो फोर्ब्स का जो है, फोर्ब्स बैंक वर्ल्ड सर्वे था, उसमें HDFC जो था नंबर 1 रैंक पे था इंडिया में बाय द कस्टमर्स ऑफ इट. तो वो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. एंड फाइनली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो था इस टाइम न्यू दिल्ली में हुआ था और फर्स्ट टाइम इन इमर्जिंग इकोनॉमी में GII कंडक्ट हुआ था, जो किया था पीयूष गोयल ने. ऑल राइट, सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज पीयूष गोयल टू लॉन्च दिस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इन न्यू दिल्ली. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इकोनॉमी एंड बैंकिंग सेक्टर. तो आइए हम लोग बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. तो सबसे पहला तो इसरो का है. इसरो हैज पुट लाइटेस्ट सैटेलाइट कलमसैट V2 इनटू द ऑर्बिटल. तो इसरो का फुल फॉर्म याद रखिए गाइस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो. एंड दे हैव लॉन्च द कलमसैट V2 विच इज़ द लाइटेस्ट सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा. ठीक है, श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इन्होंने जो लॉन्च किया था. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है अगेन इसरो का ही है, दैट इट हैज़ प्लानिंग टू लॉन्च 32 स्पेस मिशंस इन 2020. तो अभी तक आपको पता होगा कि मिशन चंद्रयान 2 भी इसमें इंक्लूड था और इसी महीने चंद्रयान 2 जो है पोस्टपोन होके भी लॉन्च हुआ था, सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था हमारा चंद्रयान 2 विच इज़ अ मून मिशन बाय इसरो. तो उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट अगेन, बहुत सारे रिलेटेड इसरो से ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे मिशन जो हैं इस साल इसरो ने किए हैं. सो इसरो विल लॉन्च MESAT, जो कि उन्होंने एक्चुअली किया भी है. MESAT लॉन्च किया है उन्होंने 1st of April में, एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट. ओके, और ये जो है MESAT, ये डेवलप किसने किया है DRDO ने. तो DRDO का फुल फॉर्म याद रखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो इट वॉज डेवलप्ड बाय DRDO एंड इट विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो. सो दैट वॉज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़. एंड अगेन जो पूरे वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था साइंस के रिलेटेड, वो था फर्स्ट एवर इमेज ऑफ ब्लैक होल. ठीक है, नासा ने हमारे 10 April को ये जो था इमेज हमारे न्यूज़ में आया था, दैट इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द नासा कि पहला इमेज ब्लैक होल का रिवील किया गया था और वो पूरे वर्ल्ड में उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा थी. आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, दैट वॉज यस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेन मेक्स फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट. और फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कहाँ से किया था उसने, डेजर्ट इन द कैलिफोर्निया. ठीक है, कैलिफोर्निया के डेजर्ट से जो था पहला फर्स्ट फ्लाइट किया था. उसके बाद जो है चाइना का है इम्पोर्टेंट न्यूज़, दैट इज़ चाइना जो है इन्होंने पूरे विश्व का पहला आर्म एम्फीबियस ड्रोन बोट तैयार किया है. ओके, चाइना हैज सक्सेसफुली टेस्टेड वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्म एम्फीबियस ड्रोन बोट, विच द चाइनीज मिलिट्री एनालिस्ट क्लेम्ड कुड बी यूज्ड एज अ लैंड असॉल्ट ऑपरेशन एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ कॉम्बैट ट्रायड. ऑल राइट, तो बहुत ही एडवांस लेवल का है, जो पहला है वो चाइना ने डेवलप किया है. उसके बाद जो है हमारा प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा, जो है चंद्रयान 2. आप जानते हैं कि जुलाई मंथ में चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ था. पहले जो था वो 1st of July में होने वाला था, बट दैट वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स. बट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी एंड फाइनली सक्सेसफुली जो था चंद्रयान 2 हमारा मून मिशन जो है लॉन्च हो गया है इसी महीने. तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट इवेंट वो ये है, दैट DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर BARAK-8 LRSAM मिसाइल. तो इसके डिटेल हम लोग देखते हैं कि क्या है. सो DRDO, दैट इज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सक्सेसफुली टेस्ट फायर BARAK-8 LRSAM, यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म है, जो उड़ीसा के कोस्ट से टेस्ट फायर किया गया था फ्रॉम DRDO. उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है डिफेंस में, वो है हमारी हीना जायसवाल. बहुत ज़्यादा ही चर्चे में थी ये पहली ऐसी महिला फ्लाइट इंजीनियर है इन द इंडियन एयरफोर्स. सो हीना जायसवाल बिकम्स द फर्स्ट वुमन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ IAF. ऑलराइट, उसके बाद जो है हमारा पिनाका जो था, यस, DRDO ने टेस्ट फायर किया था. सो डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है
successfully test fired guided Pina car from Pokhran range. Okay, the weapon system is equipped with state-of-the-art guidance kit comprising of an advanced navigation and control system, that is Pinaka. उसके बाद जो है वो है मिशन शक्ति. गाइज अगर आपको पता होगा तो DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, दैट इज मिशन शक्ति अगेन फ्रॉम द रेंजेस ऑफ उड़ीसा. तो उन्होंने जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया था ये ASAT मिसाइल टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज मिशन शक्ति फ्रॉम वेयर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन उड़ीसा. उसके बाद आता है हमारा इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है CRPF का. सो CRPF सेलिब्रेटेड इट्स 54th वेलर डे गाइस दिस ईयर. 54th था और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जो थे उन्होंने होमेज भी किया था टू ऑल द मार्टियर्स, यानी कि शहीद जो भी हैं उनको, जो भी शहीद हैं उनको. और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो फाइनली ये है हमारा दैट निर्भय सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ निर्भय सब सोनिक क्रूज मिसाइल. सो DRDO अगेन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड दिस इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय अगेन फ्रॉम ओडिशा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द डिफेंस एंड सिक्योरिटी. तो अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में. तो सबसे पहला इवेंट आपको पता होगा कि मिथाली राज जो हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है. सो मिथाली राज बिकम्स फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 200 ODIs. ओके, सो इंडियाज वन डे इंटरनेशनल कैप्टन मिथाली राज हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू प्ले 200 ODI मैचेस विथ हर अपीयरेंस इन द मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड. तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है ये कि बजरंग पुनिया जो हैं उन्होंने 5th गोल्ड मेडल जीता था इन दिस 6th इंटरनेशनल टूर्नामेंट. ओके, जो होल्ड हुआ था यहाँ पे डिफिटेड जॉर्डन ओलिवर ऑफ US इन दिस 65 kg फ्री स्टाइल फाइनल. ऑल राइट, सो विच वॉज हेल्ड एट बल्गेरिया. ओके, रूस में हुआ था. सो ही हैज क्लिंचड 5th गोल्ड मेडल. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये कि अंडर 17 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया जो है होस्ट करेगा 2020 में. काफ़ी प्राउड मोमेंट है हमारे लिए दैट इंडिया में अवॉर्डेड द राइट्स टू होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2020. उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं हमारी स्पोर्ट्स में वो है ये दैट मीना कुमारी. ओके, मीना कुमारी काफ़ी चर्चे में थी. She has clinches the gold. Okay, Meena Kumari jo hai continued her fine run to win gold medal in 54 kg at Boxing World Cup in Cologne. ठीक है, Cologne में जो हुआ था उसमें gold medal जीता है Meena Kumari ने. उसके बाद जो है ये भी काफ़ी चर्चे में थे हमारे मुंबई के जो हैं हर्षिल दानी. ओके, मुंबई शटलर हर्षिल दानी wins डच इंटरनेशनल टाइटल. तो ये भी काफ़ी बड़ा सम्मान है जो उन्होंने किया है. सो इंडियाज हर्षल दानी वोन 20th विक्टर डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल. ओके, विच वॉज हेल्ड एट नेदरलैंड्स. तो ये थी हमारी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन दी स्पोर्ट्स. तो अब हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की गाइज. तो अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं इस स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू जुलाई जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे उनकी हम लोग बात करेंगे. तो उसमें सबसे पहले आती हैं शेख हसीना. तो शेख हसीना आपको पता है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं. सो इस साल भी शेख हसीना स्वोन इन एज बांग्लादेश PM फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम. तो तीसरी बार लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनने का सम्मान मिला है शेख हसीना को. सो शी हैज़ वोन 288 सीट्स आउट ऑफ 298. ओके, सो इन दिस डिसम्बर इलेक्शन. तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो है ये ऋषि कुमार जो है CBI के डायरेक्टर पद पे उनकी नियुक्ति हो गई है. CBI जो है क्राइम ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए ऋषि कुमार शुक्ला जो हैं जो कि एक IPS ऑफिसर रह चुके हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है. राइट, उसके बाद जो है मारुति सुजुकी इंडिया. ओके, ही जो मारुति सुजुकी के CEO हैं वो रीअपॉइंटेड हो गए हैं एंड हिज नेम इज केनिची अयुकावा. ओके, तो
वो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है रीअपॉइंट हो गए हैं फॉर मारुति सुजुकी इंडिया. आफ्टर दैट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज दिस, यस, विक्रमजीत सिंह जो भी हैं, जो है विक्रमजीत सिंह सैनी जो है अपॉइंट किए गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ICC. और अब ICC का फुल फॉर्म जान लीजिए, ICC इज इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये वर्ल्ड कप से रिलेटेड नहीं है गाइस, इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स, उनके लिए ये जो है प्रेसिडेंट के पद पे इनकी नियुक्ति हो गई है. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इवेंट है इसमें वो है ये दैट प्राइम मिनिस्टर जो है पैलेस्टाइन देश, आपने सुना ही होगा क्लैशेस बहुत हैं इसके पैलेस्टाइन और इसराइल में, हमेशा न्यूज़ में आते रहते हैं. तो पैलेस्टाइन देश के प्राइम मिनिस्टर के पद पे जो है मोहम्मद इस्तिया ये जो है ये अपॉइंट हुए हैं. सो ही हैज़ वोन एंड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. उसके बाद जो अपॉइंटमेंट हुई है वो है अजीत डोवल, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए. अगर आपको पता होगा अजीत डोवल जो है उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट स्ट्राइक हो, दोनों में भी उनका बहुत बड़ा हाथ था एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज इन आवर कंट्री. एंड ही हैज़ बिन रिअपॉइंटेड एज NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र. तो ये वापस जो है हमारे NSA वो रीअपॉइंट हो गए हैं अजीत डोवल, ऑलराइट, विच इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. उसके बाद जो है दिस न्यूज़, ये भी अभी जुलाई मंथ में हुआ था और ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी. प्रीति पटेल जो है, ओके, शी इज़ बेसिकली फ्रॉम UK एंड शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रिटेन्स फर्स्ट इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी. यानी कि अभी UK की जो होम मिनिस्टर है वो एक इंडियन ओरिजिन है जिनका नाम है प्रीति पटेल. ऑल राइट, सो तेरेसा मे, ऑल राइट, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी UK की, उनकी भी काफ़ी क्लोज रह चुकी हैं ये. एंड फाइनली, यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट्स. तो अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं अवार्ड्स की, जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स जो हैं किसने किसने जीते हैं और कितने ज़्यादा मायने रखते हैं अवार्ड्स इन द केस ऑफ करंट अफेयर्स. तो देखिए, पहला जो है, सबसे पहला अवार्ड, अब इसमें आपको, आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं इन 6 महीनों में. तो पहला जो है नरेंद्र मोदी जी का ही है, पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड. तो फर्स्ट एवर जो है प्रेसिडेंशियल अवार्ड, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी जी को मिला है. उसके बाद आप देखेंगे दिस न्यूज़, यस, भारत रत्न अवार्ड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं. तो भारत रत्न अवार्ड्स को 2019 हैज़ बीन बेस्ट ऑफ टू कौन कौन किसे मिला है, दैट इज़ फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड सिंगर भूपेन हजारिका. तो ये तीन नाम याद रखिए वेन एवर इट हैज़ बीन आस्क्ड फॉर भारत रत्न अवार्ड्स 2019. उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट है वो ये न्यूज़ है, दैट इज़ योर, यस, अगेन नरेंद्र मोदी जी का ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दैट ही हैज़ बिन कन्फर्ड टू UNEP चैम्पियनशिप ऑफ अर्थ अवार्ड. गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, बहुत बड़ा अवार्ड है ये. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद यूनाइटेड नेशंस चैम्पियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018. ऑल राइट, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नोट करके भी मैंने लिखा है दैट इट इज़ द UN's हाईएस्ट इन्वायरमेंटल रिकॉग्निशन सेलिब्रेटिंग एक्सेप्शनल फिगर्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड फ्रॉम सिविल सोसाइटीज. तो ये जो है इस साल 2018 के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिला है. उसके बाद जो हम लोग बात करें तो अगेन मोदी जी हैज़ रिसीव्ड अ सियोल पीस प्राइज, ओके, 2018 के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था. एंड आफ्टर दैट, यस, गुलजार, बहुत ही फेमस पोएट जो है, ही हैज़ बिन ऑनर्ड विद इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड. ठीक है, तो इंदिरा गांधी नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड किसको मिला है, नथिंग बट गुलजार. उनके बाद फोकस करते हैं आगे की न्यूज़ पे जो कि है, यस, अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड.
तो अनुष्का शर्मा जो है इस साल, इनको दादा साहेब फाल्के एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है. काफ़ी बड़ा किताब है ये भी, तो बिकॉज ऑफ हर डाइवर्सिटी एज अ प्रोड्यूसर इनको ये अवार्ड दिया गया है. एंड अगेन वी आर कमिंग विद नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी को रशिया का हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर मिला है. अगर आप देख सकते हैं तो हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर बहुत बड़ी, बहुत बड़ा किताब है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी को मिला है. एंड बिफोर दैट जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओके, यूएई ने हमारे मोदी जी को द ऑर्डर ऑफ जायद भी, ये प्राइज़ भी दिया था. सो इमिडिएटली आफ्टर यूएई गेव दिस ऑनर टू नरेंद्र मोदी, रशिया हैज़ गिवन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ ऑनर टू आर प्राइम मिनिस्टर. एंड फाइनली जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ए के सिंह, ही हैज़ वन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ 2019. सो बिकॉज ऑफ हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन द लाइफ साइंस, एरोस्पेस एंड एरोनॉटिक्स. सो कहाँ हुआ था ये इवेंट, जो है चंडीगढ़ मोहाली में. तो ये इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे इन 6 महीनों में. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए. सब्सक्राइब करें TGM चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए.